हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेट इज हेल्प में। आज हम सीखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास ये फोल्डर पड़ा है जीत नाम का, ठीक है। इसको हिडन करना है और हिडन करने के बाद में आपको क्या करना है, इस फोल्डर को वापस लेके आना है। तो ये दोनों तरीके किस प्रकार से करने हैं वो हम आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास ये वीडियो पड़ा है, सॉरी फोल्डर पड़ा है जीत नाम का। तो इसके ऊपर जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो नीचे नाम आएगा प्रॉपर्टी का, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, हिडन कर देना है। ये वाला ऑप्शन है, इसको हिडन करना है और अप्लाई और ओके कर देना है। यहाँ से आपका जो फोल्डर है अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये अब हमने हिडन तो कर दिया, अब हमें ये वापस से लेके आना है फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए हमने कोई भी डॉक्यूमेंट छुपा रखा हो तो हम उनको वापस से लेके आना है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो दिस पीसी है इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। इसके अंदर आओगे तो आपके इस प्रकार से ये वाला पार्टीशन ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन का, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ये मिलने के बाद में आपको फोल्डर ऑप्शन यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे बाद नीचे नाम आएगा हिडन फाइल एंड फोल्डर्स। तो आपको ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, शो हिडन फाइल एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव, इसके ऊपर आपको अप्लाई और ओके कर देना है और इसको यहाँ से आपको बैक कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपका ये पड़ा जीत नाम का फोल्डर। अभी देखो ये थोड़ा कम दिख रहा है, तब हमें क्या करना होगा, वापस से इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टी के ऊपर जाना होगा, यहाँ से जो हिडन वाला ऑप्शन है इसको अप्लाई करके ओके कर देना है। अब देखो जो हमारा ये फोल्डर है पूरा का पूरा क्या है, एकदम बन के रेडी हो गया, जैसे हमारा पहले जैसे हमको दिख रहा था वैसा का वैसा दिखने लग गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक जल्द ही नई टॉपिक और नई शुरुआत के साथ।